हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मायसेल्फ जतिन दवे फ्रॉम आशापुर स्कूल एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टॉपिक 14.3 अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लेसन नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दिस इज अवर कंटिन्यू 10th वीडियो फ्रॉम द लेसन। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर सेल के बारे में। सोलर एनर्जी इज यूजफुल ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। अभी हमने लिमिटेशन ऑफ द अप्लायंसेस रिलेटेड बाय द सोलर एनर्जी में भी देखा कि सोलर एनर्जी इज यूजफुल ओनली द ड्यूरिंग डे टाइम। सिर्फ दिन के समय में हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं एंड दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द सोलर सेल। तो इस लिमिटेशन, ये जो हमारी लिमिटेशन है, सोलर एनर्जी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक अप्लायंसेस बनाया गया है जिसे सोलर सेल कहा जाता है और इस सोलर सेल थ्रू हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ टिपिकल सेल जनरेट्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 टू 1 वोल्ट एंड कैन प्रोड्यूस About 0.7 watt of the electricity when exposed to the sun. Typical cell जो होता है वो approximately 0.5 to 1 volt जितनी electricity produce करता है, voltage हमें obtain करवाता है and can produce about 0.7 watt of electricity. और इससे हमें 0.7 watt जितनी electricity मिलती है जब इसे exposed to the sun के सामने रखा जाता है। सोलर सेल पैनल कंटेन अरेंजमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल एंड दैट डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल पैनल इसे कहा जाता है जिसमें ज्यादा मात्रा में सोलर सेल को कंटेन किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है और इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर स्टोर की जाती है और इसकी वजह से डिलीवर द इनफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। सोलर सेल हैव नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है एंड वर्क एफिशिएंटली विदाउट द यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस। दूसरी कोई भी फोकसिंग डिवाइस के कंपेयर में ये ज़्यादा एफिशिएंट वर्क देता है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। They can be set up in a remote and very sparsely inhabited areas in which line of the power transmission line may be expensive and commercially not valuable. ऐसे जगह पर ऐसे सोलर सेल पैनल्स को लगाया जा सकता है, खास करके रिमोट एरिया में, दूर दराज के गाँव में, जहाँ पर जो हमारा कॉमर्शियली पावर ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बनता है, ट्रांसमिशन लाइन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव बनती हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसी लाइनें लगाना कॉमर्शियली वियेबल नहीं है, ऐसी जगह पर ऐसे सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं रिमोट एरिया में और इनहेबिटेड एरियाज में उसका यूज़ हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलर सेल इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन लिमिटेशन भी है। यहाँ पर सोलर सेल पैनल जो हम लगाते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसकी दो अहम रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यूज ऑफ द स्पेशल ग्रीड ऑफ द सिलिकॉन, यहाँ पर स्पेशल ग्रीड ऑफ सिलिकॉन का यूज होता है और दूसरा कारण जो है वो है यूज ऑफ द इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन द पैनल, हियर वी यूज द सिल्वर। और दूसरा कारण है कि यहाँ पर हम सिल्वर का यूज करते हैं जिसके कारण ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। सोलर सेल आर यूज फॉर फॉलोइंग द साइंटिफिक एंड टेक्निकल अप्लायंसेस। अगर जो यूजेस के बारे में देखें तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेस प्रॉप के अंदर, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर है। दूसरा, रिमोट एरिया में रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए या टीवी रिले स्टेशन के लिए ये यूजफुल है। ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर और टॉयस, इसके अंदर सोलर सेल को फिट किया जाता है एंड मेकिंग सोलर रूफटॉप्स टू मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, इसके लिए भी इस्तेमाल इसका खास करके किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था,
इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए सोलार एनर्जी को, जिसमें हमने सोलार सेल के बारे में आपको बताया, यहाँ पर प्रिंसिपल है सोलार एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर हमने आपको ये भी बताया कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लेस मेंटेनेंस है, वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशन भी है क्योंकि ये हाई एक्सपेंसिव है। इसकी वजह है, एक तो इसके अंदर स्पेशल ग्रिड यूज़ होती है सिलिकॉन की, और दूसरा इसके अंदर सिल्वर का यूज़ होता है जो कि इंटर कनेक्शन ऑफ द सेल्स के लिए ज़रूरी है। तो ये इसकी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी ये बहुत यूजफुल सोर्सेस हैं, खास करके आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेस क्रॉप के अंदर, रिमोट एरिया में रेडियो या वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम या टीवी रिले स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर मेनी टॉयस के अंदर भी इसे फिट किया जा सकता है। और सोलर रूफटॉप का यूज़ होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी के लिए। तो ये थे इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन और यूजेस ऑफ द सोलर सेल। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने पूरा